Two universities which have been in news for all the right and the wrong reasons in the past many months now has been Hyderabad and JNU. Starting with Hyderabad, where Rohit Wurmula case happened, spilling over, coming into JNU as well. And while that's been going on here in the campus, people are saying that it's still number one when it comes to social sciences. So that's what people are saying. But I've joined by Kanhaiya here. Kanhaiya, very interestingly, I found that the categories bani hai, jinke basis par ye decide hua hai ranking, One of the categories is, and the criteria is, autonomy and student research. Now, autonomy ka phrase to JNU mein bahut hi popular ho gaya hai. What do you have to say about that? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ranking जब भी decide किया जाता है, तो उसमें क्या-क्या variables लिए गए हैं, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है. जो list हमने देखा है, उसमें देखा है कि दो technical university one और two पे है, और JNU third number पे है. तो सोशल साइंस के लिए मेनली JNU जाना जाता है, तो उस हिसाब से हम लोग अभी भी इंडिया में टॉप पे हैं. लेकिन मसला टॉप पे रहने या बॉटम पे रहने का नहीं है. मसला है कि किसी भी यूनिवर्सिटी को कितनी ऑटोनॉमी दी गई है, वहाँ जो रिसर्च हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, वहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं उसकी डेमोग्राफी क्या है, वो कितना इंक्लूसिव है. इस लिहाज से आर यू इम्प्रेस्ड बाय द लिस्ट? देखिए, ये तो हम लोगों को इट्स गुड न्यूज फॉर JNU बाय द वे. नहीं, ये तो हमेशा से होता है, हमेशा एक या दो नंबर पे होता है. दिस इज नॉट न्यू थिंग. एंड ऑटोनॉमी को लेकर के मैं कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ, दिस इज वेरी रेडिकुलस दैट इन वन हैंड MHRD इज अटैकिंग ऑन आवर ऑटोनॉमी, इन अनदर हैंड दे आर मेकिंग कि वो एक स्टैंडर्ड ले रहे हैं ऑटोनॉमी को और JNU को पहले नंबर पे रख रहे हैं. सो इट इज शॉकिंग फॉर अस.